पार्टी तैयार है, बूथ पे पूरे सक्रिय तौर पर काम जारी है। बूथ कमेटियां सब गठित होगी हमारी, और उसके साथ साथ जो संगठन को लेकर के और जो हमारी चर्चाएं होनी है उम्मीदवारों को लेकर के, उसका दौर भी जारी है। और मैं समझता हूं कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही उसके बाद हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। डिले तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो लोकतंत्र ही खत्म कर दे, तानाशाही लेकर के आ जाए, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की जो बात है उनको कमजोर करने की बात हमेशा राहुल जी और कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष ने उठाई, वो यही तो है। जो आचार संहिता 2 से लेकर के 5 तारीख के बीच में जरूर लगनी चाहिए थी, वो मोदी जी की क्योंकि रैलियाँ हैं देश के अंदर, पहले उन्होंने शिलान्यास किए नहीं, अब वो शिलान्यास करवा के दिखा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से, अभी उन्होंने भी बहुत से शिलान्यास किए कुछ दिन पहले, तो रैलियों की वजह से ये देरी चुनाव में ये हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी वो भी घोषणा तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी करेंगी 15 और 17 तारीख तक ये चली जाएगी। तो कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हमारी माताएं बहनें, नौजवान, वो बदलाव के मूड में, और वो बदलाव आपको जब वोट पड़ेंगी उसमें देखने को मिलेगा। प्रदेश में रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, क्या समझते हैं कि जैसे अशोक अरोड़ा जी, तीन लोग प्रदेश से मुलाकात सीएम से हुई है, कहीं कहीं संकेत ऐसे भी दे रहे हैं वो गठबंधन करने के लिए भाजपा के पास जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये तो देखो, पुराने बेली भी नहीं कह सकते, बेली तो पॉजिटिव है, ये तो षड्यंत्रकारी है पुराने, एक दूसरे की बी टीम के रूप में, ए टीम के रूप में काम किया, पहले ए टीम दूसरी थी, अब ए टीम बी होगी, अब बी ए होगी, तो ये तो पहले से मिले हुए हैं, जींद में भी इन्हीं लोगों ने इसी तरीके से मिल करके वो किया। और मैं समझता हूँ कि बाकी तो प्रदेश की जनता ने फैसला करना है, और वो जनता राहुल जी के और कांग्रेस के हित में फैसला करेगी। तो ये पीएलपी वाला जो मामला है, ये सबको पता है कि पिछले 5 साल से प्रदेश की सरकार ने खनन और भूमाफियाओं को, इन्हीं को संरक्षण दिया है, और वहाँ हेलीकॉप्टरों से सर्वे किए इस सरकार के मंत्रियों ने और दूसरे लोगों ने, कि कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदी जाए, किन किन बिल्डरों को फ़ायदा दे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जहाँ पर ज़मीन है, और उसी को फ़ायदा देने के लिए ये इस तरह का इन्होंने कानून पास किया था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दखलंदाजी इसमें की, और जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना इकोसिस्टम है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसको भी बचाने का काम किया, और साथ साथ ये जो भ्रष्टाचार आप रोकने की कोशिश करिए, रुका नहीं है, अभी भी कुछ दिन पहले उसका खुलासा जल्दी मैं करूँगा, कई कई 1000 करोड़ रुपए के घोटाले इस सरकार ने किए हैं। तो घोटालों को अंजाम इन्होंने जो दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन माननीय कोर्ट इस तरीके के आदेश करते रहे तो मैं समझता हूँ कुछ बचा हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला किसे मानते हैं? हरियाणा में मुकाबले में अब कौन होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस मजबूत और सशक्त स्थिति में है, और कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत करके राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका हरियाणा की तरफ से निभाने का काम करेगी।